नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अम्बेज एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन होता है? तो यह होता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो है भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई है? तो ये सात न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 31। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों का न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश से के संविधान से ली गई? तो यह अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेना निवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, किसी जगह पर वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय में परामर्शदाता बनाया गया है? तो किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत इनको उच्चतम न्यायालय के परामर्श देते हैं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक न्यायिक पुनर्विलेखन का अधिकार किसे है? तो यह उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की न्यायपालिका किस अवस्था में है? तो यह स्वतंत्रता अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित है? तो यह सचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है? तो यह अनुच्छेद 129 के अंतर्गत प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो एक ही थी केशवानंद भारतीवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जनहित याचिका यहाँ दायर की जाती है तो कहाँ पर दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों किसी भी कंडीशन पे, तो जो भारत का राष्ट्रपति पद संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा था? तो थे YV चंद्रयूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो जिसने कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, मतलब किसी जो उच्च न्यायालय उसमें 10 वर्ष वकालत की हो या 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो करता है सर्वोच्च न्यायालय।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।